ओपिनियन है और हम थोड़ा सा क्रेडिट ले सकते हैं कि कम से कम हमारी पहले दिन से इस पर एक स्टांस रहा है जो कि एक जो कह सकते प्रिंसिपल स्टांस था वो यही था कि उसके बड़े लोग नाराज भी हो जाते हैं पीछे वाले जो है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा ग्रूम कर दिया ना, ऐसा उनको उन्होंने एक तरह का उनको क्या कहना चाहिए, चलो पॉजिटिव ब्रेन वॉश किया है। वो कहते हैं इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। मैं उस वक्त भी कहता था कि एक जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी हमारी यहाँ सोसाइटी का, इमरान खान साहब को हो सकता है शाहरुख खान वजीर अजम भी बन जाए, और बकौल मेरे दोस्त अरुण मिश्रा साहब सब कहते हैं इमरान खान जो है ना ये सब बनते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि ये सिर्फ एक दफ़े वजीर अजम बन सकते हैं, उसके बाद जो चीज़ें सामने आएंगी तो शायद ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इनमें क्या उस पर किया कि आप ये बगावतें किसके खिलाफ होती होती हैं, या ये मूवमेंट किसके खिलाफ होती होती है, इंकलाब किसके खिलाफ लाए जाते हैं, तब्दीलियाँ किसके खिलाफ होती हैं, स्टेटस को के खिलाफ होते हैं, उसी के लिए आप वहाँ पर मूवमेंट चलाते हैं, आप डोर टू डोर जाते हैं। आप उनको कुछ भी कहें, नेहरू साहब की आप उनके उनके गांधी साहब की कैदम साहब की अगर इनकी आप इनके पढ़ें इनकी बायोग्राफीज जो है या इनकी ऑटोबायोग्राफीज जो है कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को थाना को सौखा काम नहीं, दुनिया के सुस्त ये लोग खत्ते के जो है ना दुनिया में साफ तरह मुसाम है, इस खत्ते के लोग हैं जो आज इंडिया पाकिस्तान सुस्त पार्टी है, इसमें तो कोई कोई बहस नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है हमारे अंदर, डिफेंस बड़ी कम है और बड़े सारे मसाइल हैं हमारे। तो उन्होंने एक एक खत्ते में जाके एक एक गाँव में जाके उन्होंने वहाँ पर लोगों को बेदार किया था, लोगों को एजुकेट किया था कि उस वक्त का जो आपकी आपकी रूलिंग लीड थी या आपके कॉलोनियल मास्टर्स है इनके खिलाफ बगावत कर रही हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कितने बेदार, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, उनके अंदर आप कह सकते फेयर ऑफ अननोन होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि ये मौजूदा अगर आपका सेटअप है गिर जाते वॉट नेक्स्ट, ये आपके अंदर का खौफ होता है कि आपको पता नहीं होता किसके बाद क्या होगा, आप उस अनसर्टेनिटी से डर के मारे आप चेंज नहीं चाहते। आपने यही चीजें लोगों को बताई एक यूथ को, मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर ये थी कि आपने जो इमरान खान का सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये था कि इन्होंने आके लोगों को एजुकेट किया, इनको बताया, इनको आइडेंटिफाई करके दिया कि फला 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 लोग जो है इस मुल्क के हवाले से उनका रोल ठीक नहीं है, माशरे की तबाही में, पाकिस्तान की बर्बादी में, इसकी लूट मार में फला फला लोगों का हाथ है, इमरान का क्रेडिट है। और पहले दिन से टीवी में जाना उनको टांगा पार्टी के लोग उल्टा उनको ताने दिए, खुद भी उन्होंने आपको याद होगा बताया था शेख रशीद का और ये शाहबुद कुरैशी साहब का जनाब के कि ये तो बस वो फंसते थे मेरे ऊपर के आप कहाँ से आ रहे हैं। आपने एफर्ट की स्ट्रगल की एक सेटअप के खिलाफ यूथ पाकिस्तान का मोर देन 50% है, ये बहुत बड़ा एसेट है जिसको यहाँ पे ट्रैक नहीं किया गया, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, हमने यूथ को किसी उस पर लगाया नहीं है कि अगर अगर कोई हमें तो अच्छा लीडर मिल जाता और इसको यूथ को चैनलाइज करता ये लोग बहुत आगे आ सकता, या तो पहाड़ उठा के फेंक देता। जो नौजवान आदमी है जितनी एनर्जी होती है, जितना विजन होता है, या जितना आप कह रहे हैं उसके अंदर रोमांस और आइडियलिज्म होता है, आप उस आइडियलिज्म को यूज करके पूरा मुल्क खड़ा कर सकते थे। आपने क्या किया है, पहला काम कर लिया, आइडेंटिफाई करके दिया कि फला फला लोग जो है ना इस मुल्क उसमें यूथ इन्वॉल्व हुई, बच्चे इन्वॉल्व हुए, औरतें लड़कियां पूरे सारे निकले पीछे और इमरान एक हिट करता गया। आज भी इमरान खान साहब कहते नहीं यार बहुत सारे लोग जो है ना बड़े ये ठीक लोग नहीं है, ये बदमाश को गुंडे को लुटेरे को या कर्ज खा को जो थाना जिसके कब्जे में हो जिसके पास पुलिस वाले दो छत्ते मारने वाले हों, जो इलेक्शन लड़ना जानता हो जो उस दिन इलेक्शन वाले दिन जिसके पास 8-10 वहाँ पे गन टोटिंग किस्म के बदमाश गुंडे हैं उसके जो जाए उस पर कब्जा कर सके, आपके पोलिंग स्टेशन पे 2-4 बंदे मारने पाए वो वहाँ खड़का दे लोगों को वहाँ बिरयानी खिले बकौल इनके टीमें वाले नाम काट सके, मुझे तो भाई वो चाहिए। और डांट देता हूँ पाकिस्तानी यूथ को जो रोमांस था जो आइडियलिज्म था फिर ओवर राइट उसको स्विच किया। आज ट्विटर पे किसी बात समझाने की कोशिश करो ना जितने की तरह आपको पड़ जाते नहीं आप फरिश्ते कहाँ से लें, तो भाई साहब आप फरिश्ते नहीं ला सकते, ऑलरेडी जिन लोगों के खिलाफ आप खड़े हुए थे तो आपने कहा था कि हम फरिश्ते लेंगे, मैं जाते थोड़ा समय तो शायद मैं ज्यादा आइडियलिस्ट हूँ, नहीं ये कई तो हम मैं कह सकता हूँ। आज हम ये काम शुरू कर दें मैं और मदनी से शो में कि नवाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं ना ये अपने गालियों से इन्होंने कहा से स्टूडियो से आके उठा के ले जाएंगे कि आप लोग बिक गए आपने कैसे पकड़ लिया आगे में आप आ गए आप कैसे नवाज शरीफ को जस्टिफाई कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी तो फिर वही है जो नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि आज हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे नवाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं, हमारे एप्रिसिएशन को तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपके पापा कह रहे हैं हमारे भी कि आपके अगर मैं रिकल सेल करता हूँ मैं अपने को सेल करता हूँ बेचता हूँ कीमत बताता हूँ क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जब साहब बिकता है क्या करें जी होता है जी चलता है फरिश्ते वाले नहीं है तो ये मैं एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह के यूथ टर्म जो अपने लीडरों पर करते हैं। इमरान खान के लिए शायद लिप्ट किस्म के जो काम कर रहे हैं बड़ा मौका था, मेरे जैसे रोमांटिक और कैटलिस्ट इसमें कहने में हाथ नहीं है कि आपको डटे रहना चाहिए था इसी टीम के साथ, आपको 80 लाख लोगों ने वोट दिया था 2013 में 80 लाख आपकी मिस मैरिमेंट के बावजूद ना तजर्बा के बाद आपने खड़े रहना था, आपको उन्होंने बहुत बड़ी इज्जत दी है बड़ा फेम किया है बहुत बड़ा आपका आपका नाम है, इससे ज्यादा आपको मशहूरी नहीं मिल सकती थी दुनिया में, जैसे मैंने कहा 2 सेलिब्रिटीज हमारी एज में आए हैं या लेडी डायना थी या इमरान खान था, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि इमरान खान समझते कि वजीर अजम बन के मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये लगता है वजीर अजम बन के बहुत सारे लोगों की शायद उम्मीदें तोड़ेंगे जो रोमांस है लोगों में टूटे का मतलब आज क्या हुआ है। आज उनको जो इमरान खान साहब के नाम से बात कर रहा था, इमरान खान अभी वजीर अजम नहीं बना अभी वो इलेक्शन लड़ने नहीं किया अभी उसके पास 172 वोट नहीं है सीटें नहीं है, ही इज एक्टेड एज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये दुख हो रहा है इंटीरियर मिनिस्ट्री पे और ये निगरान वजीर अजम पे कि इमरान के दबाव में उन्होंने आके एक ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। इमरान के साथ दुख से बुखार था जो फाइनेंशियल उनका ATM है
अच्छी खासी तगड़ी एटीएम है जो वहाँ पे जो करते हैं उनका फेयर देख के बल्कि रिहान के साथ भी सारे मामला जो है वही करते हैं जूफी बुखारी करते हैं। जूफी बुखारी के अंदर कैसे नाम के पास नाम उसका ईसीएल पे है। इमरान तीन घंटे आते हैं तो बेहतर रहा है कि नाम निकाले इसका ईसीएल से इसलिए मेरे पास सऊदी अरब जाना है। अगर इमरान खान साहब ने ये साइन जमा हो तो कहते रहे तो आप इनको आने से पावर में सबसे पहले हमने ही तब है क्योंकि हमने चीजें लिखी बयान करनी है। इमरान को तो चलिए था उसी बात कहते उसी साहब घर जाए। अगर आपका नाम ईसीएल इमरान हमें देता यूरोप की मिसाल है अमेरिका की मिसालें देता है यूरोपियन डेमोक्रेसी में यूरोपियन डेमोक्रेसी में